इंग्लैंड के संसद में, पार्लियामेंट का अर्थ है संसद, इंग्लैंड की संसद में तूफान सा मचा दिया था कि कहीं अब ये भारत हमारे हाथ से ना निकल जाए। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लैंड इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1889 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भंडाफोड़ किया था। एनी बेसेंट ने बताया था कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जौक का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा। अंग्रेज़ों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि ये एनी बेसेंट कौन थी। यहाँ पर जौक अंग्रेज़ों को कहा गया है। जौक एक ऐसा जीव है जो शरीर से चिपक जाता है तो खून चूसता है। उसी तरह से अंग्रेज़ जौक की तरह भारत से इस तरह से चिपक गए थे कि यहाँ का सारा धन वो समाप्त कर रहे थे। एनी बेसेंट कौन थी, अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। 1 अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसके बचपन का नाम एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना पसंद करती थी क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी, पिता की मृत्यु हो गई। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ। वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। मिस मैरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी। यहाँ पर अंडरलाइन करो, एनी का जन्म, बचपन का नाम और एनी की माँ कहाँ की थी। यहाँ पर दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ। इस लाइन को भी अंडरलाइन करनी है आपको। पति पत्नी की इच्छा और भाव